हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पढ़ाने वाला हूं। मैं इसके पहले LiLH4, KMnO4 और बहुत सारे रिएजेंट के बारे में मैं बता चुका हूं और उसके जो लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता क्या है। बेसिकली ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सिन डाइहाइड्रोजाइलेशन ऑफ एल्कीन के लिए यूज होता है। इसका मतलब होता है कि जो OH का अटैचमेंट है वो एल्कीन पर सेम साइट से होगा, एक ही साइट से होगा और दो OH का अटैचमेंट होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है डाई और अटैचमेंट ऑफ OH यानी हाइड्रोजाइलेशन, सिन डाई हाइड्रोजाइलेशन ऑफ टू दी एल्कीन। ये जो काम होता है वो KMnO4 के प्रेजेंस में भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो यील्ड होती है वो काफ़ी कम होती है, इसीलिए हम इस रिएजेंट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और इस रिएजेंट के ऊपर पूछे गए हैं और उनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यानी OSO4, जिसमें मैंने एक एल्कीन ली है और उस एल्कीन के साथ में ये जो दोनों ऑक्सीजन हैं वो एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको कहा जाता है ऑस्मिक एस्टर। फर्दर एक्वस एल्कलाइन मीडियम में जो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फाइट है उसको हीट किया जाएगा और ये जो दोनों ऑक्सीजन है वो उस एल्कीन के साथ अटैच रह जाएंगे और बाकी OSO3 निकल जाएगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें H2OSO4 यानी ऑस्मिक एसिड मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये इस एल्कीन पर किस तरीके से रिएक्शन करता है, बस वो बताना है। देख रहे हैं आप कि इस एल्कीन पर ये जो OH है वो एक ही साइट से अटैच हुए हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सिन डाइहाइड्रोजाइलेशन। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ और ले लूं इस तरीके से, ये इसमें हम जब OSO3 की रिएक्शन OSO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इस पर OH अटैच हो जाए। ये लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई साइक्लिक रिंग दी गई है इस तरीके से, ये साइक्लिक रिंग है और इसमें डबल बॉन्ड है, जब हम इस पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए क्या होगा। जो OH है वो मैंने क्या बोला था, सिन एडिशन करते हैं, तो ये OH एक इधर आ गया, एक OH इधर आ गया। जब ये OH सेम साइड हो तो इसको क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। ये जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है थोड़ा सा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, इसीलिए इसको हम जब यूज करते हैं तो ये कंज्यूम ना हो जाए, इसके लिए हम H2O2 भी साथ में लेते हैं, जिससे जो यहां पर ये फॉर्म होता है ये वापस OSO4 प्रोवाइड कर देता है और ये फिर कंज्यूम नहीं होता, मतलब महंगा है लेकिन फिर भी जो यूज हुआ वो फिर से रिकवर हो गया, ठीक है। तो अब आगे की जो रिएक्शन है वो H2O2 के प्रेजेंस में भी होंगी। जैसे मैंने अब लिया एक एक्राइल एल्डिहाइड यानी अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड यानी कुछ इस तरीके से CHO, ये है एक्रल एल्डिहाइड, ठीक है, सॉरी एक्रल एल्डिहाइड। अब जब इस पर आप OSO4 लगाएंगे तो वही सेम चीज है, इन दोनों डबल बॉन्डेड पोजीशन पर लग जाएंगे तो क्या होगा, ये CHO, उसके बाद ये H, ये H और ये OH लग गया, ये OH लग गया, ये H, ठीक है। तो जो ये OH हैं वो सेम साइट से लगे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लगा देते हैं
बहुत ही इंपॉर्टेंट और आया हुआ क्वेश्चन बेंजीन के ऊपर, तो क्या होगा? जब बेंजीन के ऊपर आप ये लगाएंगे तो होगा ये कि इस पर, इस पर, इस पर और इस पर, इन सभी पर लगेगा, ठीक है। तो अब एक्चुअल में होना ये चाहिए कि जब सभी पर लग रहा है तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए। और जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये बन भी रहा होगा, पहला ऑप्शन यही होगा, लेकिन ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। और अगर फॉर्म हुआ है तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जरूरी नहीं है कि यहीं से बॉन्ड क्लीवेज करो, आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, सी ओ ओ एच ओ एच एच सी ओ एच और एच, वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, और साथ में ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन ऑक्सैलिक एसिड हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता और CO2 और H2O फॉर्म करता है। इंपॉर्टेंट ये है, ये जो बना है ये है मीजो टार्टरिक एसिड, मीजो टार्टरिक एसिड ये फॉर्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बेंजीन पर जब आप ये लगाते हैं तो जो ऑप्शन सही होगा वो है मीजो टार्टरिक एसिड। अब एक दो एग्जांपल और हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, वो देखिए वो हैं क्या। जैसे अगर कहीं पर लिया गया है सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ एच और दूसरा लिया गया है इसी का एक ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये जो एसिड है ये है मिलियक एसिड और ये है फ्यूमेरिक एसिड, दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। जब हम इस पर OSO4 लगाते हैं तो यहां पर भी हमें क्या होगा, यहां पर OH, यहां पर OH, तो मिल जाएगा COOH COH H COH H COOH। ये क्या मिला आपको, मीजो टार्ट्रिक एसिड, वही जो बेंजीन के केस में टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। और यहां पर जब ये अपोजिट साइड में होंगे तो ये OSO4 के साथ रिएक्शन नहीं देगा, मतलब प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें सिन डाइहाइड्रोजाइलेशन यानी सेम साइड से अटैक नहीं हो सकता। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड रिएक्शंस ऑफ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। मैं अगले वीडियो लेक्चर में एक दूसरा और इंपॉर्टेंट रिएजेंट लेकर आऊंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।